एवरीवन, दिस इज मी साथिया शेवर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हू एवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि आपका क्रश आपको लेकर क्या फील कर रहा है राइट नाउ। जो भी एक स्पेसिफिक समवन है आपके माइंड में राइट नाउ, जिसको राइट नाउ आप जिसको लेकर आपको क्रश है उन पर, आप जानना चाहते हो कि उनकी थाट्स या फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। लेट्स फाइंड आउट। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। तो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपाल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सब तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट कि क्रश के माइंड में आपको लेकर क्या चलता है। द एम्परर, व्हील ऑफ फॉर्चून, एस ऑफ वांड्स, हनी द डेक, वी डू हैव द टेम्परेंस। मुझे लगता है कि आपके क्रश जो हैं, जिसको जिसके भी ऊपर आपको क्रश है, वो पर्सन बहुत ज़्यादा उनको आपको देखकर लगता है कि यू कुड बी यू नो कमिटमेंट टाइप ऑफ अ पर्सन। यू कुड बी द पर्सन जो कि शायद एक स्टेबल हैप्पी फुलफिलिंग रिलेशनशिप दे सकता है। आपका पर्सन आपको लेकर उनको लगता है कि यू आर समहाउ जैसे होता है ना कि आपकी तरफ वो अट्रैक्ट होते हैं, बट एट द सेम टाइम उनके माइंड में जो थॉट्स आते हैं उसमें कहीं ना कहीं उनको लगता है कि यू कुड बी द परफेक्ट पर्सन जिसके साथ वो रिलेशनशिप कर सकें। बट हैविंग सेड दैट, मुझे नहीं लगता कि आपका पर्सन जो जिनको जिनके ऊपर आपको क्रश है वो गिवन सर्कमस्टांसिस में आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाहते हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी उनके थॉट्स में कुछ चीज़ें हैं जो कि उनको लगता है कि शायद अभी अपनी इस कनेक्शन को लेकर अपनी फीलिंग्स को जो है दबाने की ज़रूरत है या एक्सप्रेस ना करने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके माइंड में उनके दिल में आपको लेकर जो थॉट्स हैं फीलिंग्स हैं उनको लगता है कि शायद आपके और उनके दरमियान में जो जो कुछ चीज़ें हैं जो कि रिलीजन के डिफरेंसेस हो सकते हैं, एज के डिफरेंसेस हो सकते हैं, या फिर एक सोशल स्टेटस के डिफरेंस हो सकते हैं, वो चीज़ें आपके पर्सन को जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो वो रोकती है उनको आपकी तरफ अप्रोच करने के लिए। सो मुझे लगता है कि दिस पर्सन इज़ अट्रैक्टेड टू यू और उनको लगता है कि यू कैन बी अ परफेक्ट पार्टनर, बट एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर वो सोचते हैं कि शायद वो जस्टिस नहीं कर पाएंगे इस कनेक्शन में, और इसीलिए वो शायद फ़िलहाल आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि दिस पर्सन हैज़ अ वेरी क्या क्या कहते हैं उसको, एक अट्रैक्शन कह लो या एक ड्रॉन फील करते हैं वो आपकी प्रेजेंस में। दिस पर्सन वांट्स टू काइंड ऑफ लाइक यू नो, हो सकता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप इनको नहीं देख पाते हो कि वो आपको देख रहे हैं या फिर वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन दे डू कहीं ना कहीं दिस पर्सन हैज़ बीन secretly admiring you as well. Let's see more messages here. कि वो क्या चलता है उनके माइंड में आपको लेकर, क्या सोचते हैं आपके बारे में। आप ऐसे कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपका पर्सन और आपके दरमियान में जो सिनेरियो चल रहा है जहाँ पर आप दोनों ने कभी ओपनली एक्सप्रेस नहीं की इंटेंशंस, ये पर्सन जानते हैं कि इस कनेक्शन में कुछ भी हो सकता है। सो कहीं ना कहीं एक होपफुल एनर्जी है पर्सन के एंड से आपको लेकर। एक और चीज़ मुझे लगता है कि जो इंटेंशंस हैं उनकी आपको लेकर वो इंटेंसिफाई होंगी, उनकी जो डिज़ायर है आपको लेकर वो इंटेंसिफाई होगी आने वाले टाइम के साथ। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि कुछ चीज़ों में शायद आप दोनों को थोड़ा एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि शायद उनको लगता है कि स्मूथ ना चल सके आपका कनेक्शन उनके साथ। देर इज़ समथिंग जो कि उनको रोकती है, जो कोई ऐसी चीज़ है जो उनको आपके साथ कम्युनिकेट करने में या फिर बातचीत करने में रोकती है। अब वो उनके माइंड में भी हो सकता है, ऐसा भी पॉसिबल है कि जो उनके डाउट्स हैं या फियर्स हैं वो इट्स जस्ट इन देयर हेड। हो सकता है कि ऐसी कोई रियलिटी नहीं हो, हो सकता है उनके दिल में एक फियर है कि शायद देर इज़ अ समवन स्पेसिफिक इन योर लाइफ। ये भी फियर हो सकता है कि शायद आप इतने अच्छे हो तो आप क्यों उनको चांस दोगे। सो देर इज़ समथिंग जो कि उस पर्सन को आपसे थोड़ा दूर रख रही है राइट नाउ, इवन दो दे आर ड्रॉन टू यू। लेकिन मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम यू डोंट गेट टू सी दिस हैपनिंग। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको लगता है कि आपका पर्सन शायद यू आर द ओनली वन हु इज़ अटैच्ड टू देम और हु वॉन्ट्स टू बी अराउंड देम, लेकिन इन एक्चुअलिटी उनके एंड से भी सेम फीलिंग्स हैं।
मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए कम्युनिकेशन जो है इस इंसान के साथ, वो एक बहुत बड़ा मसला रहेगी। रीज़न कि आपको कहीं ना कहीं खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं है। आपको लगता है कि ये क्यों मुझे अप्रोच करेगा, या ये क्यों, यू नो, हाउ कम दिस पर्सन वुड फील द सेम वे फॉर मी। आपके लिए बिलीवेबिलिटी उस चीज़ की जो है वो काफ़ी लो है। लेट्स सी कि और क्या सोचता है आपका क्रश आपके बारे में, आपका क्रश आपके बारे में और क्या सोचता है, क्या चलता है उसके माइंड में आपको लेकर। अगेन, मुझे लगता है कि यू आर डेफिनेटली वेरी अट्रैक्टिव उनकी नज़र से अगर हम देखें। शायद आपको ऐसा लगता नहीं है, लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ ड्रॉन ज़रूर फील करता है। उसको लगता है कि आप काफ़ी एक ग्राउंडिंग फोर्स रह सकते हो उसकी ज़िंदगी में, अगर आप उसकी ज़िंदगी का पार्ट, यू नो, लाइफ में आ जाओ एज अ पार्टनर, एज अ बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कुछ भी। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि शायद वो आप में आपकी तरफ ज़्यादा आपसे ज़्यादा अटैच हो सकते हैं एज़ कम्पेयर टू यू गेट अटैच टू दैम। उनको लगता है कि आप काफ़ी सॉलिड और स्टेबल किस्म के इंसान हो। शायद ऐसा है या नहीं है उनको, लेकिन ऐसा पर्सपेक्टिव उनका आपके बारे में बना हुआ है। आप उनके लिए डेफिनेटली आप उनके लिए एक ड्राइविंग फोर्स या एक मोटिवेशनल फोर्स ज़रूर हो। समहाउ मुझे लगता है कि ये पर्सन आपसे आपके पर्सन को कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि फाइनेंशियली आपके साथ थोड़ा इशू है। चाहे आप फाइनेंशली स्ट्रांग हो या वो पर्सन जो है फाइनेंशली स्ट्रांग है, लेकिन वो एक रीज़न है डेफिनेटली जो उनको आपकी तरफ एक्शन लेने से रोकता है। लेट्स सी के और क्या चल रहा है आपके पर्सन के दिल में आपको लेकर। जो भी ये स्पेसिफिक समवन है जो कि आपका क्रश है, उसके दिल में और क्या है आपके बारे में, क्या सोचता है, क्या मांगता है डिवाइन से आपको लेकर। सेपरेशन, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन द होराइजन। उसको फियर है कि आपका और उसके कनेक्शन जो है वो ज़्यादा टाइम लास्ट नहीं कर सकता फॉर सम रीज़न। अगेन, हो सकता है कि आपका जो क्रश है और आप जो हो एक ऐसी जगह पर एक दूसरे के साथ हो जो कि जहाँ पर कुछ क्लैरिटी नहीं है अराउंड द फ्यूचर। हो सकता है कि आप साथ वर्क कर रहे हो सकता है कि आप साथ पढ़ रहे हो राइट नाउ, हो सकता है कि आप किसी गैदरिंग्स में एक दूसरे को मिलते हो, लेकिन देर इज़ नो सच थिंग कि जहाँ पर जब तक कम्युनिकेशन नहीं होती तो देर इज़ अ फियर ऑफ के पता नहीं आगे मुलाकात होगी या नहीं होगी। तो वो एक फियर ऑफ सेपरेशन जो है वो डेफिनेटली पर्सन को है। आपके फ्रेंड्स आपको इस रिलेशनशिप में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि स्पेशली जब तक आपकी ओपन कम्युनिकेशन नहीं हो पाती है इस इंसान से, तब तक आपकी सिचुएशन काफ़ी अनस्टेबल सी रहेगी। तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों की कम्युनिकेशन हो सके, लेकिन सम हाउ वो खुद एक्शन जो है मुझे नहीं लग रहा कि ले रहे हैं यहाँ पर। लेट्स सी कि उनकी लेट नाइट थाट्स क्या हैं आपके बारे में। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं डाउट है कि शायद आपकी ज़िंदगी में कोई और इंसान है। कहीं ना कहीं उनको यू नो, एक फियर है कि शायद यू आर समबडी जो कि शायद यू आर पॉपुलर और समथिंग, और उनको फियर है कि ऐसा ना हो कि वो आपसे अटैच हो जाए और उनको जो है आप वो वैल्यू ना दे सको जो वो डिज़र्व करते हैं। सो देर इज़ अ फियर लाइक दैट कमिंग फ्रॉम योर पर्सन। सो यार, ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर, बाय।